Everybody, very welcome to UGC मेरा नाम है पांडे एंड आई सेशन आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट uh, अपडेट के बारे में जो कि uh, आपके यू जी सी नेट परीक्षा में की गई है अगर आपको नहीं पता है तो यू जी सी ने एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस uh, किया है आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए वो कौन सा सब्जेक्ट है और आप कैसे कर सकते हैं आवेदन या कौन कर सकता है आवेदन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे और साथ में साथ ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट से आपके लिए क्या फायदा है आपके लिए सरकारी नौकरी के किस तरह से जो है वो मौके आपके सामने आ रहे हैं चलिए तो सबसे पहले बिगिन करते हैं मैं आपको बता दूँ कि क्या है वो सब्जेक्ट सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट जो है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बिल्कुल रिसेंटली एड ऑन किया गया है यूजीसी के द्वारा एंड uh, इसका सिलेबस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अगर आप लोग इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके सिलेबस को देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम सिलेबस uh, का दसों यूनिट के बारे में देख लेते हैं क्या आखिर है क्या क्या यूनिट ताकि हमें एलिजिबिलिटी भी पता चल जाए देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको वेरी फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपके मोस्ट ऑफ द पेपर टू में होता है लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसीज एंड गवर्नेंस की बात हुई है डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्ट रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्ट मैनेजमेंट हेल्थ एंड डिजास्टरमेंट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज आस्पेक्ट रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्रफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्योंकि रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम बहुत सारे डिजास्टर्स को जो है वो कवर uh, करते हैं क्योंकि हम जहाँ पर नहीं पहुंच पाते जहाँ जो जगह हमारे लिए एक्सेसबल नहीं होती है बिकॉज ऑफ द डिजास्टर द रेंज ऑफ डिजास्टर किस लेवल का डिजास्टर है कितनी सिविरिटी है उस डिजास्टर की वो हमें पता नहीं होती है सो so, वो वहाँ पर रिमोट सेंसिंग और आपके जितने भी जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारी हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए जो नई नई तकनीक उत्पन्न हो रहे हैं उन पर भी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड देन एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट अब एलिजिबल कौन कौन है इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन कर सकता है आवेदन दे, देखिए जो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो बच्चे ईवीएस पेपर टू पढ़ रहे हैं ठीक है उनके मोस्ट ऑफ द यूनिट्स कॉमन है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में क्योंकि मैं खुद आपको ईवीएस पढ़ाती हूँ और जो सिलेबस हमारा है ईवीएस का उसमें हम रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसके अलावा इकोलॉजी वगैरह हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना ईवीएस की तीन यूनिट तो आपको सीधे सीधे ईवीएस वाली मिल रही हैं तो जो बच्चा एनवायरमेंट साइंस से भी मास्टर्स कर रहा है वो भी इस पर्टिकुलर पेपर में अपियर हो सकता है एंड वाई नॉट क्यों नहीं हम अपने लिए अच्छी और और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखें वाई नॉट क्योंकि एनवायरमेंट साइंस में एक और चीज़ होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एम नहीं भी कर रहे हैं एन्वायरमेंट साइंस में वो हमारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ई में वो बढ़ जाते हैं और कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो जाता है तो वाई नॉट वी इफ़ वी आर कोर ई वी एस स्टूडेंट्स वाई नॉट वी एक्सप्लोर आवर ऑपरचुनिटीज टूवर्ड्स अदर एग्जामिनेशन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल तो ये ई पेपर टू के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में ही यू नो you know, अपना आ, कर रहे हैं वो भी इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका कोर सब्जेक्ट है वो तो खैर कर ही सकता है तो मास्टर्स कर रहा हो बच्चा डिजास्टर मैनेजमेंट से एम कर रहा हो या मास्टर्स कर रहा हो एनवायरमेंटल साइंस में ये तीनों ही जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसके अलावा जो लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर वाली चीजें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में करनी होती हैं तो वो सिविल इंजीनियरिंग का भी कुछ पोर्शन अगर मैंशनड है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आप वहाँ से जो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं बच्चे वो भी आ, इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है ऑल राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी ऑपरचुनिटीज क्या क्या आई हैं आप सभी के लिए क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं आवेदन कौन कर सकता है हमने एलिजिबिलिटी की बात तो कर ली है अभी हम ये देखेंगे कि आखिर इस ऑब्जेक्ट को ऐड होने से किसको फायदा हो रहा है और किस लेवल पर फायदा हो रहा है हाल ही में अभी यूजीसी की तरफ से एक नोटिस आया है नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीआरआर रिसर्च फैसिलिटी यानी आपको रिसर्च के नए-नए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल रही हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 टू 2025 कॉल फॉर प्रपोजल एनआईडीएम हैज लॉन्च्ड द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिसर्च फैसिलिटी अंडर द आई यू आई एन डी आर आर एन आई डी एम टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डी आर आर ठीक है फील्ड में और ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है द नेशनल डी आर आर रिसिटी है क्वेश्चन रिलेटेडर रिस्क रिडक्शन फॉर द स्टेट डिस्ट्रिक्ट थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन

the 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 result of the research are envisioned to to help elevate the challenges that disaster pose to various regions across the country. अभी आप देख ये ज्यादा important इसलिए भी हो गया है क्योंकि across India अगर आप अभी देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम में हर साल बाढ़ आती है बिहार में हर साल बाढ़ आती है जितने भी माउंटेनस रीजन हमारे हिमालयाज वगैरह हैं वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने लगता है लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं मतलब बारिश के टाइम पे ये डिज़ास्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फ्लड हर साल आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और इसके अलावा ये तो आपके डिजास्टर्स हैं ही कुछ ऐसे डिजास्टर्स भी हैं जो आपके बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी कोई या कोई महामारी फैल रही है उसके लिए भी यहीं पर यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के, के थ्रू ही आप उसको भी रिसर्च कर सकते हो उसको भी स्टडी कर सकते हो क्या क्या, क्या रीजंस हैं उस चीज़ के ठीक है तो डिजास्टर इज समथिंग विच इज़ इन एविटेबल तो इसमें रिसर्च के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारे आपको मिलेंगे नो डाउट ऑल राइट देन Uh, यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलेगी तो रिसर्च अगर आप करोगे तो फेलोशिप भी मिल रही है दैट मीन्स आपका जो फेलोशिप uh, का अमाउंट है वो भी आपको इस रिसर्च प्रपोजल के थ्रू मिल जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट स्टडी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इनोवेशन एंड एक्शन रिसर्च और आपको अपना जो प्रपोजल है वो सितंबर फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक सबमिट करना है ठीक है एट रिसर्च आई यू आई एन डॉट एन आई डी एम एट द रेट एन आई डी एम डॉट जी ओ वी डॉट इन जो स्टूडेंट्स अभी उनको लगता है कि वो एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए वो ऑब्वियसली अपना जो भी प्रपोजल है वो सबमिट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं बाकी आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए यूजीसी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पीएचडी एच को रिसर्च ऑपरचुनिटीज़ को ओपन कर दिया है बाय एडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो अगर आप डिसम्बर ट्वेंटी में अपियर होने वाले हैं uh, इस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं या जो भी मैंने एलिजिबिलिटी बताई है आप हैं तो आप बिल्कुल इस सब्जेक्ट को फिल कीजिए फॉर्म फिल कीजिए आपके पास और ज़्यादा एम्पल नंबर ऑफ अपॉरचुनिटीज़ वेट कर रहे हैं इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दू आ, ये एक जॉब पोस्टिंग है फॉर दी पोजीशन ऑफ सीनियर कंसल्टेंट इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राइट डायरेक्टली फ्रॉम एनडीएमए इसको अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है बट है तो सरकारी नौकरी ही तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और इसमें एक वैकेंसी है इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए मास्टर्स डिग्री मांग रहा है आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स पब्लिक पॉलिसी लाइवलीहुड डेवलपमेंट और और सोशल वर्क एक्सपीरियंस सच एजीएचडीटेड रिलेटेडल एंड कैंडिडेट मस्ट है साउंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ दिलेटिंग टू रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन उसके अलावा अगर हम रेन्यूमेशन के रेम्यूनरेशन के बारे में बात करें तो फेलोशिप जो मिल रही है वो आपको वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर के वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ की है बट ये सीनियर कंसल्टेंट के लिए है अब यहाँ से जो जॉब ऑपरचुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये है कि सिंस यूजीसी हैज नाउ इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर नेट दैट मीन्स आपको क्या ऑपरचुनिटीज़ और मिल जाती हैं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, ठीक है? आपको अपॉर्चुनिटी uh, मिलती है एज अ कंसल्टेंट काम करने की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको अपॉर्चुनिटी ऑपरचुनिटी मिलती है पीएचडी करने की जे होल्ड करके उसके अलावा आपको फेलोशिप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रही है दैट अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आप डायरेक्टली फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं जैसा कि हमने इधर देखा है क्योंकि यहाँ पर खुद ही कॉल फॉर प्रपोजल आया है और जैसे आप सबमिट करेंगे अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जितना भी प्रिस्क्राइब्ड फेलोशिप होगा वो भी मिलेगा सो दी आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वॉन्टेड यू टू नोटिस क्योंकि बहुत सारे ये जो यू नो हे वायर वाली सिचुएशन बनी है उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो दब जाती हैं हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं हम अपने लिए चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं सो इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर एंड लर्न एंड यू नो देर आर अ एम्पल अमाउंट ऑफ अपर्चुनिटीज़ फॉर ऑल ऑफ यू ये सुविधाएं ये अपरचुनिटीज़ आपके लिए हैं वेट कर रही हैं सो गो ग्रैप दीज ऑपरचुनिटीज़ एंड या ऐसे ही इंफॉर्मेटिव uh, सेशन के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यू जी सी ने ट्वेंटी फोर सेवन सो so दैट जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नो नेगेटिव एंड ट एवर रॉन्ग हैज बीन हैपनिंग इन द एजुकेशनल सिस्टम उसके अलावा जो पॉजिटिव चीजें लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन दैट एंड वही हमें आगे बढ़ने में हेल्प भी करेंगे ऑल दीज नेगेटिविटीज वट सो थैंक यू सो मच एवरीबडी आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी अपने लिए दैन डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो एज अ सपोर्ट एज अ फीडबैक एनालिस यू अगेन विदेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम थैंक यू टेक केयर बाय